हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सुनील कुमार फ्रॉम जीनियस लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट यू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स रहेंगे और ये हमारे फ्यूचर में किस लिए और कैसे यूजफुल है, इस चीज़ को हमें आज समझना है। क्योंकि देखिए, जब हम 10th क्लास पास करके जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा वो ये रहेगा सब्जेक्ट को चूज़ करना, कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं। सबसे बड़ी बात स्ट्रीम को चूज़ करना। देखिए, आपके सामने तीन स्ट्रीम होंगी, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। कुछ बच्चे एग्रीकल्चर स्ट्रीम में भी जाते हैं, लेकिन जो बच्चे CBSE से रिलेटेड है उन बच्चों के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन स्ट्रीम्स हैं। पहली स्ट्रीम का नाम है आर्ट्स, दूसरी है साइंस, और साइंस जो है ये स्ट्रीम भी आगे तीन पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइडेड है। सॉरी, फर्स्ट इज मेडिकल एंड सेकंड इज नॉन मेडिकल। तो अगर आपको साइंस स्ट्रीम के बारे में पूरा जानना है, बीसी के क्या बेनिफिट्स है, क्या कुछ इसमें हो सकता है, तो आप जो साइंस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं आप उनको ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चले। क्योंकि देखिए, ये टाइम ऐसा होता है कि जब हमें कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए जो हमें सब्जेक्ट्स के बेनिफिट बता सके कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा हमारे लिए जो है हमारे फ्यूचर को ब्राइट करेगा, या हमारे हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट भी होते हैं, उनके हिसाब से ही वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से वो सही प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पाता। तो मैंने आपको बताया, आपको आगे तीन स्ट्रीम्स चूज़ करने को मिलेगी। फर्स्ट इज़ आर्ट, सेकेंड इज़ साइंस एंड थर्ड इज़ कॉमर्स। देखिए, ये तीनों स्ट्रीम्स हैं और मैं आज आपको आर्ट स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा कि आर्ट स्ट्रीम जो है वो कितनी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, और इसके अंदर सबसे मेन जो है वो है पॉलिटिकल साइंस। ये सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको इसे चूज़ क्यों करना चाहिए, इसे चूज़ करने के पीछे का जो मेन रीज़न है वो क्या है, और ये इंटरेस्टिंग क्यों रहने वाला है, और इससे आपके फ्यूचर पे जो है आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए, 10th क्लास तक आपने सभी सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़े हैं, थोड़े थोड़े सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपने लिया है। जैसे आपने मैथ भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, SST भी पढ़ा है, हिंदी भी आपने पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने, इंग्लिश भी पढ़ा है, ठीक है, और कई बच्चे पंजाबी भी चूज़ करते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत में भी जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने हमने जो है मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं CBSE वाले बच्चों के लिए 10th क्लास के अंदर, और RBSE के जो बच्चे होते हैं उनके सामने 10th क्लास में हिंदी इंग्लिश उनके पास होती है, मैथ, SST, साइंस ये होती है, और इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। ये जो सब्जेक्ट है पंजाबी और संस्कृत, इनमें से ये थर्ड लैंग्वेज के रूप में चूज़ किया जाता है आपके द्वारा। तो ये तो थी 10th की बात, 10th क्लास आप पास कर चुके हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, कई बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं और उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा मैथ में अच्छा है, वो आगे जाकर मैथ जो है वो चूज़ करे। कुछ बच्चे साइंस में अच्छे होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो बच्चे ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, या मतलब साइंस जो फैकल्टीज़ है या जो साइंस स्ट्रीम है उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो SST को अपना फेवरेट सब्जेक्ट मानते हैं, और SST किस तरफ लेकर जाती है आपको, आर्ट स्ट्रीम की तरफ लेकर जाती है। मतलब आर्ट स्ट्रीम की तरफ जो पहला स्टेप होता है वो SST से शुरू होता है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत ये तो चलो एक्स्ट्रा होते हैं, ये आप आर्ट स्ट्रीम के अंदर ले सकते हो बहुत सारे बच्चे। और अब हम बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम की। तो देखिए, आर्ट स्ट्रीम जो है उसके अंदर किस प्रकार की चीज़ें होती है, या किस प्रकार से हम पॉलिटिकल साइंस को लेते हैं, या पॉलिटिकल साइंस का जो है यूज़ होता है।
तो बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। सबसे पहले मैं आर्ट्स स्ट्रीम के बेनिफिट्स बताऊंगा कि क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस में या मैथ में उनका इंटरेस्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि वो बच्चे कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ऐसे जो आर्ट्स स्ट्रीम को अपना फेवरेट मानते हैं, ठीक है। मैथ में अच्छे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो आर्ट्स स्ट्रीम चूज करते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है। और मेन जो चीज़ होती है वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हो। और हमेशा यही होना चाहिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उस स्ट्रीम को चूज़ कीजिए, उस स्ट्रीम में जाइए। तो देखिए, आर्ट्स स्ट्रीम में सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने एक वीडियो बनाया था हिस्ट्री से रिलेटेड कि हिस्ट्री के बेनिफिट्स बताए थे। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या दूसरे जितने भी जो सब्जेक्ट होते हैं उनका कहीं ना कहीं हिस्ट्री के साथ कनेक्शन होता है। लेकिन इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए, आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर जो है डेमोक्रेसी है, उससे पहले हमारे इंडियन जो थे, हमारे जो पुराने जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी थी, बहुत सारी मतलब महसूस किया था। उन्होंने नए नए अलग अलग जो है टाइप के रूल्स देखे थे, शासन देखे थे, उन्होंने अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट देखी थी। शुरुआत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर मोनार्चिकल सिस्टम था, मोनार्चिकल सिस्टम था। उसके बाद मोनार्चिकल में जो है, देखिए हमारे यहाँ पर हमारे हिंदू राजा भी थे, मुस्लिम राजा भी थे, मुगल्स भी यहाँ पर आए थे। उसके बाद हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूल जो है वो हमारे लोगों ने फेस किया था। कॉलोनियल रूल्स मतलब ये ब्रिटिश के द्वारा जो है एस्टिब्लिश किया गया रूल था। ब्रिटिश जो थे उन्होंने इस रूल को एस्टिब्लिश किया था, मतलब लगभग 200 सालों तक हमारा देश जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। फिर 1947 में हमें आज़ादी मिली, हम आज़ाद हुए। और वहाँ से किसकी शुरुआत होती है, वहाँ से शुरुआत होती है डेमोक्रेसी की, ठीक है जी। डेमोक्रेसी की शुरुआत वहाँ से होती है। और इस डेमोक्रेसी को एस्टिब्लिश करने में हमारे जो लीडर थे, हमारे जो पॉलिटिशियन थे, ठीक है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका बड़ा रोल रहा। इसको आगे बढ़ाने का काम किया पॉलिटिकल साइंस, सॉरी कैसे किया, 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के लिए कुछ कानून बनाए गए। उससे पहले ही हमारा जो सिस्टम शुरू हो गया था, 1946 से ही जो है चीज़ें शुरू हो गई थी कानून बनाने की, और जिसे आज हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था इंडियन लीडर्स के द्वारा, हमारे लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलेशनशिप है वो सबसे ज़्यादा किसके साथ है, पॉलिटिकल साइंस के साथ माना जाता है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो पूरी की पूरी आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बताएगी। इसके अलावा ये जो है हमारी पॉलिटिक्स कैसे चलती है, अदर जो कंट्रीज़ है उनके अंदर पॉलिटिक्स कैसे चलती है, इस पॉलिटिक्स का नेसेसरीज क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो होती है ये हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट्स होती है, उन गवर्नमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है या उनके बीच में जो डिफरेंसेज होते हैं, उन डिफरेंसेज को हमें एक्सप्लेन करेगी, डिस्क्राइब करती है पॉलिटिकल साइंस। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए एक किसी भी सिटीज़न के लिए जो उस कंट्री का है, उस सिटीज़न के लिए जो है कौन सी गवर्नमेंट बेटर रहती है, उससे हमें नॉलेज मिलता है, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जानने का जो है मौका मिलता है पॉलिटिकल साइंस से। मैंने आपको हिस्ट्री का जब वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि 90% जीके जो है वो हिस्ट्री का रहता है। तो इस 90% की बात करें अगर हिस्ट्री की, देखिए, और उससे पहले मैं आपको एक बात बताती कि इसमें जियोग्राफी के भी कुछ टॉपिक आते हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी आते हैं। पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं वो नॉर्मली किससे रिलेटेड होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे आर्टिकल्स है, जो भी एक्ट है, कुछ भी है, वो सब कुछ इंक्लूड होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स बनाई जाती है, देखिए इंडिया की बात करें, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया के अंदर जो है डेमोक्रेसी के थ्रू चलने वाली एक गवर्नमेंट बनाई गई है। अब गवर्नमेंट के लेवल क्या होते हैं, देखिए इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 लेवल हैं। अब ये 3 लेवल कौन कौन से हैं वो हमें देखने हैं।
देखिए पहला जो लेवल है वो कौन सा है, वो है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। सेकंड जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी जो है वो है लोकल गवर्नमेंट। तो तीन टाइप की जो है वो हमें गवर्नमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है, स्टेट, लोकल तीन टाइप की जो गवर्नमेंट है वो हम देखते हैं। पहली सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल की गवर्नमेंट होती है, दूसरी स्टेट लेवल की और तीसरी लोकल। अब ये गवर्नमेंट काम कैसे करती है, तीनों गवर्नमेंट जो है वो काम कैसे करती है, इसको जानने का जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस के थ्रू आप समझ सकते हो कि हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो कैसे काम करती है। बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है ये जानने में भी हमारे देश के अंदर जो अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट बनती है, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर क्या काम करता है, प्रेसिडेंट क्या काम करता है, चीफ मिनिस्टर क्या काम करते हैं, सरपंच क्या काम करता है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन जो है वो क्या काम करता है, एक लोकल वार्ड का पार्षद क्या काम करता है, गाँव की बात करें तो वार्ड पंच क्या काम करता है, उसके क्या काम होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें, ये जो सारा नॉलेज है कहाँ से मिलेगा, हमें पॉलिटिकल साइंस से मिलेगा। ये पॉलिटिकल साइंस आपको इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड है, जो पॉलिटिक्स है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा। मतलब पॉलिटिकल साइंस के इतने सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे जितने आपने सोचे भी नहीं। तो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ब्रॉड लेवल पे बनाया हुआ सब्जेक्ट है। पहले ये हिस्ट्री का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में टाइम की ज़रूरत को देखते हुए इसे एक अलग सब्जेक्ट जो है वो बना दिया गया, और आज इसके पास इतना मटेरियल है अपना खुद का कि ये एक इंडिविजुअल या एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। सबसे बड़ी बात ये है, पॉलिटिकल साइंस हमारे देश में फेमस क्यों हुई, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी के बाद ही जो है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया गया था, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया गया था आज़ादी के बाद। डेमोक्रेसी की वजह से हमारे जो लोकल लोग हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स की बात करें या इंडियन सिटीजन्स की बात करें, वो लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे थे किसमें, पॉलिटिक्स में, क्योंकि उन लोगों की भागीदारी थी पॉलिटिक्स में। कैसे भागीदारी थी, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती थी उसके अंदर वो अपनी भागीदारी दिखाते थे, और इसी वजह से उनको आगे जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसमें वार्ड पंच बनते हैं, सरपंच बनते हैं। फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो वहाँ पे जो है पार्षद बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। ये है क्या होता है, ये स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती है आगे से आगे, आगे से आगे जो है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट तक पहुँचने का एक स्टेप होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल लेवल की जो ये गवर्नमेंट होती है ये आपको अगले लेवल तक जाने में बड़ी हेल्प करती है। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत से ही लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में जानने की बड़ी इच्छुक रहते हैं। तो देखिए लोकल लेवल पे जो पॉलिटिक्स शुरू होती है तो इसी पॉलिटिक्स का बेनिफिट जो है वो हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेंस है, हमारा जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस के थ्रू हम अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। अब बात आती है इसके फ्यूचर में काम, हमारे मतलब एक स्टूडेंट के रूप में ये हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है। तो देखिए स्टूडेंट्स की बात करें, आप 11th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद आप किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जरूर फेस करोगे, IAS के लेवल के एग्ज़ाम करोगे, RAS करोगे, IPS करोगे, कुछ भी अदरवाइज बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो कम्पिटिटिव लेवल के, जो गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए हमें फाइट करने पड़ते हैं। तो उनके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें कौन देगा, पॉलिटिकल साइंस देगी हमें।
इसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल्स है, अलग से सब्जेक्ट के रूप में इसे एस्टेब्लिश किया गया है। इसी वजह से आपको गवर्नमेंट जो है उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है तो आप इजीली उस एग्ज़ाम को फेस कर सकते हो, उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज की वजह से। और ये नॉलेज इंक्रीज करने का सबसे अच्छा सोर्स है कि आप पॉलिटिकल साइंस की बुक्स को पढ़िए। और पॉलिटिकल साइंस की बुक्स को पढ़ोगे कैसे मौका मिलेगा, आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर पॉलिटिकल साइंस जो है वो एज ए सब्जेक्ट चूज करते हो। तो देखिए, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वैसे सारे अच्छे होते हैं और सभी का नॉलेज लेना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी अपने कोई एम होता है। तो देखिए, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ एक तो जुड़े हुए हैं और एक हमारा नॉलेज इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर पुरानी गवर्नमेंट्स के सिस्टम को देखा जाए, पुरानी गवर्नमेंट्स मतलब मोनार्चिकल सिस्टम, जब राजा महाराजा होते थे उस टाइम क्या होता था, उस सिस्टम को अगर देखा जाए तो वो कैसा रहता था, तो उसको जानने का तरीका होता है हमारे पास हिस्ट्री। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश हुआ, उसके बारे में हमें हिस्ट्री बताएगी, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट माना जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है वो हद से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अलग अलग जो कंट्रीज है उनके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, और उन सब के बारे में हमें पॉलिटिकल साइंस से पता चलेगा कि कौन सी कंट्री में। अब देखिए, जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल है, इंडिया के अंदर किस जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यानी कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट नहीं है, अमेरिका के अंदर भी पार्लियामेंट है, और वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। हर कंट्री की अपनी एक खुद की पार्लियामेंट है, जहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट बैठकर जो है अपनी कंट्री को ऑपरेट करते हैं, उनकी अपनी कंट्री के लिए जो जो भी नए नए रूल रेगुलेशंस बनाने हैं वो उनके लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी प्रकार की गवर्नमेंट्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए कि कौन सी गवर्नमेंट किस प्रकार के काम करती है, कैसे काम करती है, कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल साइंस के थ्रू जो है वो समझने में हेल्प मिलेगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसे ज़रूर पढ़िए, इसे ज़रूर अपने, अगर आप आर्ट स्ट्रीम में आते हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़िए। हिस्ट्री के साथ साथ अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब आपको एक दूसरे की ये हेल्प करेंगे एक दूसरे की। अगर आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप दो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे के हम कह सकते हैं कि एक के बगैर दूसरा जो है वो किसी काम का नहीं है, दूसरे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और अच्छे तरीके से नॉलेज को गेन करने का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो आपके पास ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट और बहुत ही अच्छी स्ट्रीम के अंदर जो है आप ये चूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस, अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, किस प्रकार के नॉलेज को गेन कर सकते हैं, या क्या क्या उसमें मटेरियल होता है, क्या सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है किस प्रकार की चीज़ें होती है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हम मिलेंगे फिर से, तो तैयार रहिए, ओके। तो तब तक आप अपने मन को बनाइए, आप आराम से इस वीडियो को देखिए, और वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर सोचिए कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तब तक आप उस सब्जेक्ट को मन लगाकर नहीं पढ़ सकते। इसलिए मन लगाकर पढ़ने के लिए सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। तो मेरा काम था सिर्फ इसके बेनिफिट बताना, इसके फ्यूचर में आपके क्या काम आ सकता है और किस प्रकार से आपके नॉलेज को जो है वो इंक्रीज कर सकता है, वो मैंने आपको बताया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉलिटिकल साइंस को कैसे जो है वो लेते हो, या किस प्रकार से आप इसको इसके बारे में सोचते हो। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए कुछ और नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।
तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।